आज के हमारे वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की इस वीकेंड लाइव क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं कुछ रूट्स रिलेटेड प्रोजेक्ट। तो अभी मेरे पास एक डेटा है, आप देख पा रहे हैं, मुझे इस डेटा सेट को क्या करना है, एक सीट के ऊपर कॉपी पेस्ट। मुझे क्या करना है, एक सीट के ऊपर कॉपी पेस्ट, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे। ओके, एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना है। और कैसे होगा चीज, तो इसके लिए हम यूज करेंगे लूप वाला मेथड जो कि हमने लास्ट क्लासेस में आपको बताया। ठीक है, तो यहां पे हम आते हैं। और डेवलपर में जाते हैं मेजर बेसिक, और यहाँ पे हम करते हैं यूजर फॉर्म, नहीं तो फिर मॉड्यूल मॉड्यूल, यहाँ पे सब्जेक्ट आरा ब्रैकेट ओपन क्लोज। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं के सीट सीट डॉट एड डॉट नेम इक्वल टू डेट। ठीक है, और यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, हम यहाँ पे देते हैं डिम डीएस डेटा शीट एज ए वर्कशीट। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं सेट डीएस इक्वल टू शीट्स डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हर सीट में यहाँ पे लूप लगाएंगे, हम देंगे कि फोर। अब यहाँ पे जो सीट ऐड हुआ है ना वो स्टार्टिंग सबसे लास्ट में भेज, चलो ना लास्ट की जरूरत नहीं, इस कंडीशन लगा देंगे। यहाँ पे यहाँ कहेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फोर लगाएंगे कि फोर आई इक्वल टू चले वन टू, ये फोर लूप लगा यूज कर सकते हैं कि वन टू, और दे देंगे सीट्स डॉट कॉम। क्या सर ये कर सकता हूँ मैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं फोर इंच लगा सकते हैं, क्या सर तो फोर इंच वाला आप कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आए। अब यहाँ पे करूंगा कि एफ सीट्स सीट्स हमने आई दिया डॉट नेम इज नॉट इक्वल टू, मैं लिखा है यहाँ पे डेटा, क्योंकि डेटा से भी का डेटा कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अब यहाँ पे हम जाएंगे शीट्स आई डॉट सिलेक्ट। ठीक है, शीट्स आई डॉट सिलेक्ट, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कि रेंज A1 डॉट करेंट रीजन, तो करेंट आ गया, करेंट रीजन डॉट कॉपी। तो आपका डेटा सीट क्या आना है, तो DS डॉट एक्टिवेट। अब मुझे यहाँ देना है कि रेंज A1 से लेके डॉट
एंड ए वन नहीं होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे ए पेंसिल अगर नीचे से ऊपर जाना, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सेल अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट पेस्ट स्पेशल। ठीक है, बस अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैक्रोस आ रहा है, देख सकते हैं क्या आपको सब डेटा ऐड हो गया। क्लियर सर? सर ये तो पेज कटता जाएगा, ये लिखेगा कहाँ पर सर? रुकेगा क्या? जितना सीट उतना पेस्ट करेगा ना, पेस्ट करता जाएगा तो ये होगा सर ना। हमें लूप क्या चलाया है? देखिए लूप क्या है, लूप कितना चलाएगा सर? लूप में क्या दिया हुआ है? फॉर लूप में जितना स्पीड होगा उतना चलेगा। यहाँ पे इफ कंडीशन क्यों लगाया? इफ कंडीशन लगाने के पीछे रीजन क्या था बताइए। सर इसमें हेडिंग रिपीट हो रही है, अगर हम करेक्ट रीजन लेंगे तो हेडिंग तो आएगी आएगी, तो हम हटाने के लिए हमको फिर लेना पड़ेगा। ठीक है, पहले मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब आपसे बताता हूँ। यहाँ पर नीव क्यों सर, अगर नेम डेटा ना इक्वल ना हो क्यों ऐसा क्यों किया ना? डेटा से डेटा में हमको सारा चीज का डेटा चाहिए, इसलिए इसको छोड़ दिया, बाकी का सारा कॉपी पेस्ट अगर ऐसा मान चलेंगे तो डेटा सेट का डेटा कॉपी करके डेटा शीट पे पेस्ट कर देगा, मुझे बाकी का डेटा डेटा पे लाना है ना, तो डेटा को स्किप करना होगा ना कॉपी से, क्योंकि मैंने यहाँ जो लूप लगाया है उस लूप में ऐसा थोड़ी कुछ दिया हुआ था कि भाई इसमें डेटा नहीं जाएगा, मैंने बोला है जितने सीट उतने काउंट करो, तो ये सीट को इसने काउंट कर लिया ना, समझे? इसलिए मैंने बोला पहले सीट का नेम पहले चेक करो, डेटा नहीं होना चाहिए, अगर डेटा है तो तुम ये कॉपी पेस्ट वाला काम मत करो, अगर डेटा नहीं है तो कॉपी पेस्ट वाला काम करो, नहीं तो अगर ऐसा ना करो तो क्या होगा कि डेटा सीट का डेटा भी डेटा शीट में पेस्ट कर देगा, तो आपकी रिपीटेशन हो जाएगी क्या, समझे? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ए सीट बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए क्या करें, तो आप लोग क्या सुझाव है बताइए, सीट को कैसे जो हेडिंग है सीट का हेडिंग कैसे इग्नोर करें? इसके दो तरीके हो सकते हैं, पहला तरीका है कि हम हेडिंग कॉपी ना करें क्या, तो ये जो हमने करेंट रीजन दिया यहाँ पे इस कोड को थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा कि ए टू से ए टू राइट में जाओ, फिर सिलेक्शन कर फिर डाउन में जाओ, तो अगर डेटा में ब्लैंक हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसा ना करते हैं हम जब पेस्ट करते हैं वहीं पे, जब पेस्ट करते हैं तो जैसे मैंने यहाँ से कोई डेटा उठाया, मान लीजिए यहाँ से कोई यहाँ कंट्रोल ए करके मैं डेटा उठाया और मान लीजिए यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया, तो मेरा अभी एक्टिव कौन सा है? हेडिंग वाला इससे एक्टिव है ना, नेम ए लेवल दिख रहा है आपको, तो मैं एक्टिव सेल का एंटायर रो क्यों ना डिलीट कर दूं इस तरह से क्या, तो हेडिंग पेस्ट होगा बट वो डिलीट हो जाएगा, तो क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिखेंगे एक्टिव सेल डॉट, अब एक्टिव सेल डॉट हमें रो डिलीट करना है तो यहाँ लिखना पड़ेगा एंटायर रो, क्योंकि एंटायर रो एंटायर कॉलम पे करते हैं तो पूरा कॉलम पर रो लेना है तो एंटायर रो एंटायर कॉलम कर सकते हैं, इसके बाद इसमें जो करना चाहे कर सकते हैं, मुझे डिलीट करना है तो मैं डिलीट कर दिया, अब मैं सीट डिलीट करता हूँ डेटा शीट को, क्योंकि ये बार बार सीट डिलीट क्रिएट होगा ना, इसलिए रन कीजिए। देखा, लेकिन पहली हेडिंग भी नहीं है यहाँ पे, है ना? नहीं है ना, तो मुझे पहली हेडिंग तो डालना होगा, तो यहाँ लूप से बाहर, लूप से बाहर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि सीट्स
आई के जगह पे वन, एक पहली सीट पे चले जाओ जिस पे डेटा, तो एक सीट आइडेंटिफाई कर लो जिसके ऊपर डेटा है आपका, ठीक है, सिलेक्ट। उसके बाद आप क्या करें कि रेंज, अब मुझे नहीं पता कितना कॉलन है, तो मैं पूरा रो को उठा लेता हूँ, पहले रो डॉट कॉपी, और फिर यहाँ पे शीट्स डीएस, डीएस है, डीएस डॉट रेंज A1 डॉट पेस्ट स्पेशल, ठीक है ना? देखिए देगा कि पहले एक बार वन दिखाता हूँ, एफर्ट से यहाँ पे एक सीट, एक क्योंकि सीट का नाम ऑलरेडी डेटा है। अब यहाँ पे मुझे ये भी कोड डालना पड़ेगा कि सेटा हो तो सीट, अगर डेटा सीट हो तो पहले डिलीट करो, हालांकि वो डिलीट करने का कोड बाद में डालेंगे, उसको पहले कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। कॉपी पेस्ट, देखिए हाँ, देखिए डेटा शीट पे जाके इसने कर लिया ना। अब इसको कंटिन्यू कर दीजिए आप, आगे एक हेडिंग रही, बाकी हेडिंग को इसने डिलीट कर, समझ में आया आप लोगों को? कंक्लूजन कंक्लूजन अच्छा, सभी लोग सिस्टम से ज्वाइन है या कुछ लोग मोबाइल फोन से भी ज्वाइन किया है? मोबाइल फोन ज्वाइन किया, आपको मना किया था, मोबाइल फोन से क्लास ज्वाइन मत किया कीजिए, बोला था ना? फिर आप ज्वाइन करते, सिस्टम नहीं है क्या? सिस्टम नहीं है या फिर आपने सिस्टम ऑन करने के क्या बोलते हैं, बचने के लिए बोला सिस्टम ऑन ऑन करेगा, संडे का बस नहीं है, संडे का है। बिजली के लिए दूसरा चलिए सिस्टम से ज्वाइन किया कीजिए, कोडिंग क्लास से ज्वाइन कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है? ऐसा इसलिए बोला हूँ ताकि अगर मैं, मुझे लगा कि कहीं पे प्रॉब्लम है तो बोलूँगा आप ट्राई कीजिए। जैसे मैंने अभी ये फाइल भेजा, मैंने बोला सबको कि एक बार इसको खुद से ट्राई कीजिए नया बना के, क्या समझ रहे? अब मेरे सामने ट्राई करेंगे तो जो कंफ्यूजन होगा मैं आपको दूर कर दूंगा, अब मेरे पीछे करेंगे तो पता नहीं आपको क्या करें क्या ना करें, मुझे क्या पता चले? आप मुझे बोलेंगे मैं समझ पाया तो आपको रिप्लाई करूंगा, नहीं समझ पाया तो नहीं रिप्लाई करूंगा, अभी प्रॉब्लम होगी तो आप देख भी दीजिएगा ना, ओके? हाँ एक क्वेश्चन अब यहाँ पे देखिए, ऑटोमेशन जब भी होता है तो कुछ ना कुछ फाउंडेशन होता है, मुझे तो यहाँ पे फाउंडेशन क्या है, यहाँ पे फाउंडेशन ये है कि आपका डेटा एक रो से स्टार्ट होना चाहिए पहले, दूसरा आपके हर शीट का जो डेटा फील्ड है वो सेम होना चाहिए, बस समझे? दो फाउंडेशन है इसके। अब लेकिन आपका अगर इनपुट चेंज होता है तो कोडिंग चेंज करनी होगी, तो उसी हिसाब से कोडिंग लिखना पड़ेगा ना, तो पहले इसको तो सीख लीजिए, तो उसको करेंगे हम, समझे सर?
तो जो आपने बोला उसमें हम लेके चलेंगे। तो आपको डेटा के हिसाब से ढूंढना होगा कि कहाँ पे क्या है कैसे है, समझे? क्लियर है? अब यहाँ पे इसको ट्राई कर लीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करना चाहूंगा मैं इसको, दो चीजें करना चाहूंगा। एक कि जो डेटा मेरा स्टार्टिंग से है, मैं मान लिया मोस्टली डेटा स्टार्टिंग से ही होता है, ठीक है, यानी वो तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि डेटा स्टार्टिंग से है या नहीं। डेटा स्टार्टिंग से नहीं होगा तो क्या होगा, मान लीजिए आपको ऐसा लगा कि डेटा ऊपर नीचे है, तो जो हम कंट्रोल ए करवाते हैं और ना करवाएंगे, हम क्या करेंगे, हम नीचे से यहाँ पे, यहाँ से पहले नीचे जाएंगे और फिर यहाँ से कंट्रोल ए करवा देंगे, समझे? भाई शुरुआत वन से नहीं होगा, लेकिन खत्म तो कहने के होगा ना, तो वहां से कंट्रोल ए करवा देंगे। ये चीजें कोड है, अब डेटा के हिसाब से लिखिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट ज़रा नहीं कीजिए, दिक्कत हो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास जो डेटा है उसका सीक्वेंस बिगड़ा हुआ है, समझे? अब देखिए यहाँ D3 में मार्स मेरा लास्ट में, क्लियर सर? मार्स को कलर भी कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, मई के बाद अप्रैल के बाद में चेंज हो गया, कैसे? तो अब यहाँ पे मुझे एक एक कॉलम को पेस्ट करना हो, क्या करना होगा, एक एक कॉलम को पेस्ट करना हो। तो ये जो ऊपर वाला लिया था ये तो रहेगा ही रहेगा, ये जो आपको दिख रहा है ये रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे तो आएगा, ठीक है, ये आपका इतना रहेगा। ठीक है, अब इसमें हमने बेस स्कोर कर दिया, यहाँ पे डेटा शीट में एक बार मैं करता हूँ, DS डॉट एक्टिवेट करता हूँ, DS डॉट एक्टिवेट। तो हमने फिलहाल क्या किया कि पहले शीट का हेडिंग उठा के हमने डेटा शीट पे डाला, राइट? अब मुझे लूप कित चलाना है, कितना बार फाइनल लूप शीट बना लूप, तो हमने किया कि 4 i = चले यहाँ पे i इक्वल टू चले 1 to शीट्स डॉट काउंट, तो शीट जो काउंट है वो चले, यहाँ यही से उठा लेता हूँ, इस कंडीशंस भी हम लगा देते, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो आ रहा है फिर डेटा वाला ये भी लेंगे यहाँ, ठीक है, ऐसे बना के कॉलम खोले। अब इसमें मुझे एक और लूप चलाना है, मुझे कॉलम के हिसाब से चलना है, इसलिए यहाँ पे मैंने किया कि 4 j = चले 1 to कितने कॉलम्स है, तो मान लीजिए कॉलम्स हमारा है, आप इसको भी आप ऑटोमेट कर लीजिए, लेकिन मैं फिलहाल एक लिख देता हूँ, सारा काम मैं ही करूँगा, आपको तो कुछ करना चाहिए। नेक्स्ट, अब मैं क्या किया कि हर सीट के अंदर हर कॉलम के हिसाब से चलेंगे, ठीक है, हर सीट के अंदर क्या करेंगे, हर कॉलम के हिसाब से चलेंगे। अब यहाँ पे हमने लिखा कि शीट्स आई डॉट सेलेक्ट, आई सीट पे गया,
आई सीट को सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ भी एक और फॉर्म लगाएंगे कि फोर आर, यहाँ पे के इक्वल टू 1 to j, 1 to k, 1 to 6, 8 8 8। कंडीशन होगा कि इफ सीट एक्टिवेट है आपका यही है, हाँ, के सेल्स में सेल्स रो नंबर 1 के नंबर कॉलन उसकी वैल्यू इक्वल टू है ds.sales सेल्स में 1 नंबर रो एंड j नंबर कॉल डॉट वैल्यू। देन क्या हो, देन यहाँ पे रेंज A2 से शुरू करेगा और सेल्स में बोला रो। अब रो क्या है, रो के लिए हमने यहाँ पे लगाया कि रेंज A65,000 डॉट एंड तो रेडी लगाया 65,000 लिखा। अच्छा मैं कर देता हूँ उसको सही, डॉट रो, ये रो नंबर पता कर लिया, लास्ट रो नंबर कौन सा डेटा शीट, डेटा शीट जिस कॉलम का डेटा उठा रहे हैं, और कॉलम नंबर हमने एड कर दिया। उसको क्या करेंगे, हम कॉपी करेंगे, क्या करेंगे कॉपी, तो फिर बाय कर रह गया हम। कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और भी है कि डेटा को पेस्ट करने से पहले, डेटा को पेस्ट करने से पहले मुझे उसका रो नंबर पता होना कि मैं डेटा किस जगह पे पेस्ट होने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम आर इक्वल टू कर देंगे कि रेंज A65,000 ये कहाँ पे है, डेटा डीएस पे है, समझे कहाँ पे है, डीएस पे है। तो डीएस का यहाँ पे अगर दिक्कत है तो लिख दीजिए यहाँ पे कि ds.range A65,000 डॉट एंड एक्सेलस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट उसका रो नंबर आर पे आ जाएगा। तो जो डेटा हम यहाँ से कॉपी किया है वो डीएस पे आएगा, तो ds.range रेंज में रेंज नहीं, रेंज सेल होगा, माफ कीजिएगा सेल, सेल्स सेल्स में रो नंबर आर होगा एंड कॉलम नंबर कौन सा होगा, तो कॉलम नंबर होगा हमारा 8, नहीं कॉलम नंबर जे होगा, जे सॉरी जे, कॉलम नंबर जे डॉट पेस्ट स्पेशल। पेस्ट का लग रहा है कि ये, हाँ ये पेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे आपका नेक्स्ट के हो गया। अब इसको एक एक करके रन करते हैं तो पता चलेगा इफेक्ट। एक मिनट, नेक्स्ट अबाउट फोर, फोर के हुआ जैसे इफ नहीं है, इफ एंड इफ, एंड इफ नहीं किया, इस ये जो इफ चला उसका एंड इफ नहीं किया हमने, देखिए। तो यहाँ आया, एक डेटा सीट बनाया जिसका, यहाँ जिसका नाम डेटा होगा उसको डीएस पे सेट किया, पहले सीट पे गया ए बाई ए को कॉपी किया, A1 पे आके टेस्ट स्कोर कर गया, फिर वापस डीएस सीट पे चला गया। आप देखो यहाँ पे अगर इसकी पैटर्न देखना चाहो तो यहाँ दिख जाएगा, तो डीएस सीट पे। ओ अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि जो डी ए, देखिए यहाँ प्रॉब्लम आ गया क्योंकि उसने डेटा सीट को पहले ही कर दिया, तो यहाँ मुझे अपने सीट डीएस को मूव करना होगा, डीएस डीएस डॉट मूव कहाँ, तो सीट्स इसके अंदर
सीट्स डॉट काउंट। यहाँ पे गलती कर दिया क्योंकि मैंने डीएस को ऊपर लिख दिया, हम नीचे कर रहे हैं ना, यहाँ पे इसको कट करके नीचे रख दिया। हाँ तो तब होगा क्योंकि पहले सीट तो डीएस ही डेटा ही हो गया ना, डेटा सीट हो गया, डेटा सीट में हेडिंग था नहीं तो हेडिंग ब्लैंक को ब्लैंक में पेस्ट कर दिया ना सर, इसलिए। तो यहाँ पर हम करेंगे एफेट, एफेट किए, एक सीट्स का नहीं ऐड हुआ, उसका नाम डेटा हुआ और ये सबसे लास्ट में मूव हो गया। तो ये बिफोर था, यहाँ पे आफ्टर कर दीजिएगा, चलो बाद में कर देंगे फिलहाल। फिर पहले सीट पे गया, पूरा इसको कॉपी किया, फिर इसने डीएस के ऊपर जाके पेस्ट स्पेशल कर दिया। यहाँ डीएस पे आगे देखिए, आ गया, पेस्ट हो गया। अब फोर लूप चलेगा, फिर यहाँ पे देखेगा कि इसका नेम डेटा तो नहीं है, सीट नेम तो नहीं है, राइट। उसके बाद यहाँ पे एक क्या करेगा, आर, आर के ऊपर क्या आ गया, टू आ गया, मतलब यहाँ यहाँ का दिख रहा है ना, यहाँ का पोजीशन लोड कर लिया है इसने। इसका डेटा पेस्ट करने से पहले उसका कर्सर कहाँ था, तो उसको लोड करने के लिए क्या यूज किया, रेंज ए पेंसिलदार एंड एक्सलेस अप ऑफसेट डॉट रो, मतलब कि नीचे से ऊपर गया और यहाँ आया, इसका रो नंबर उसने क्या कर दिया, आर पे स्टोर कर दिया। दो लाइन समझ में नहीं आया पूछ लीजिएगा। अब इसके अंदर कितने कॉलन है, आठ कॉलन है, तो अब ये 8 बार लूप चलाएगा। अब ये क्या करेगा, ये वापस जो है डेटा सीट पे पहुंचेगा, डेटा सीट पे पहुंचा। अब डेटा सीट पे पहुंचने के बाद ये करेगा, ये लूप चलाएगा, इसके भी 8 है तो 8 हो, क्योंकि मुझे एक एक करके साथ चेक करना है कौन सा कॉलम मेरे फर्स्ट कॉलम से मैच कर रहा है, सेकेंड कॉलम से मैच कर रहा है, तो ये चलेगा 8। तो इसमें देखा कि जो सेल्स की वैल्यू डीएस की सेल्स वन की वैल्यू के बराबर है, तो इसने A2 को, A2 से लेके सेल नीचे पूरा, अब ये प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम आ गई, या 8 नहीं, यहाँ भी मुझे देना है K, क्या देना है, K देना है, क्योंकि तो हमें सिर्फ एक कॉलम को ही कॉपी करना है ना। हाँ यहाँ एक कॉलम कॉपी कर लिया, फिर डीएस के ऊपर जाके पेस्ट कर दिया। अब डीएस पे जाके देखेंगे डेटा शीट पे, यहाँ लास्ट में जो डेटा सीट है आपका, इसमें देखिए नेम पेस्ट हो गया, नेम पेस्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एंड इफ हो गया, फिर नेक्स्ट चला, नेक्स्ट चलेगा और फिर चेक करेगा, ये पूरा बाकी चेक करेगा कि कोई कोई कॉलम और मैं यहाँ पे हाली, यहाँ पे मुझे एग्जिट लूप करना चाहिए था, एक मिनट मैं इसको यहाँ पे एग्जिट लूप करता हूँ, एग्जिट एग्जिट 4 हो गया, एग्जिट 4, ये एक बार एक कॉपी पेस्ट कर चुका है ना, तो फिर यहाँ पे एग्जिट 4 हो गया। फिर नेक्स्ट पे गया, नेक्स्ट, और इस बार J2 है। अब J2 में आया, सीट सीट वन को ही सिलेक्ट रखा, अब ये चला गया 4, 1 से 8, वापस वापस चेक किया, क्या ये पहला कॉलम जो है, पहला रो एंड पहला रो एंड पहला कॉलम, क्या वो डीएस के पहले कॉलम से मैच करता है, नहीं करता है। फिर दूसरा कॉलम मैच करता है, हाँ मैच करता है, तो इसने पूरा यहाँ पे तो ये क्यों आया गया, तो तरीके यहाँ पे मुझे सेल्स दे, यहाँ पे J2 एक और हो ना, ए मुझे सिर्फ जैन चाहिए ना, तो यहाँ भी मुझे सेल्स लगाना पड़ेगा, सेल्स 1 रो एंड एक कॉलम, समझे, ये 1 स्टेप रन करने से गलतियां पता कर बचलता है। तो ये देखिए ये सिर्फ कॉपी, अब ये 1 नहीं मुझे 2 करना था, 1 से 1 हेडिंग भी कॉपी हो रहा है ना, 2 करना था मुझे, तो 2 कॉपी हुआ। फिर डीएस पे जाके पेस्ट कर दिया, यहाँ देखेंगे डीएस पे जाके ये पेस्ट हो गया, ठीक है। अब ये एग्जिट 4 चला, मतलब कि ये 4 से बाहर निकल गया, ठीक है। अब के दोबारा नहीं चलेगा, एग्जिट 4 मतलब समझ में आया, नहीं तो पिछला बार जैसे था एग्जिट 4 नहीं था तो के पूरा चला था, अब इसको मिल गया कॉलम तो फिर वापस बाकी कॉलम क्यों चेक करे, बाहर निकलेगा दूसरे कॉलम के लिए, तो एग्जिट 4 उसके लिए यूज किया जाता, समझे कि नहीं सर। फिर वापस गया, अब इस बार हाई सीट पे गया, अब के यहाँ पे के, अब देखिए यहाँ पे K2 आ गया,
K1 हो गया, K1 आ गया, फिर कंडीशन मैच किया नहीं था, फिर कंडीशन मैच किया नहीं था, फिर कंडीशन मैच किया, कंडीशन मिल गया, फिर इसने 5 पे कॉपी किया और फिर पेस्ट किया और लूप से बाहर निकल गया, फिर वापस गया, इस बार K1, इस बार K1 है, दूसरे कॉलम को चेक किया, तीसरा चौथा। तो ये जो आपका डीएस के अंदर सेल्स और ये जो जे डाला हुआ है ना, ये जे क्या कर रहा है, एक कॉलम एक यहाँ उठा रहा है, देखिए एक कॉलम जैसे नेम हुआ, नेम को लेके सब पे, फिर आ, आ, जैन को लेके सब पे, मैफे को लेके सब पे वो मैच करेगा। तो उससे क्या होगा, आपका डेटा के अंदर क्या पोजीशंस है उससे कोई लेना देना नहीं है, वो क्या करेगा कि अपना जितने भी डेटा है वो सारे को यहाँ पर मैच आपको दे देगा, एक एक करके सबको मैच कर रहा है, सबको कॉपी कर रहा है, पेस्ट कर रहा है, आपको दिख रहा है, मैं फिर ट्रेस कर रहा हूँ, यहाँ कॉपी किया पेस्ट किया, समझ आ रहा है सर? तो जितना ज्यादा ऑटोमेशन को आप कॉम्प्लिकेट कीजिएगा उतना ज्यादा आपकी प्रॉब्लम होगी। अब एंड किया, अब देखिए आई पे आ गया, आई पे आ गया, अब जे जे खत्म हो गया, मतलब कि एक सीट का डेटा उसने खत्म कर दिया। अब दूसरे सीट पे गया, दूसरे सीट पे जाने के बाद वापस ये रेंज चलाएगा डीएस का, और इस बार देखिए रेंज का 31 है, 31 है ना, तो पहले ये चेक कर लेगा कि मैं जो डेटा पेश करने वाला हूँ यहाँ पे डेटा सीट पे, उसका सीट का रो नंबर क्या है, ताकि वही से वो पेश करेगा ना, तो फिर ओवरराइट हो जाएगा नीचे ऊपर करने में, तो एक कॉलम है, एक एक कॉलम लेके चल रहा है ना सर, तो हर कॉलम में नीचे से ऊपर जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए इसने पहले ही इसने रो पकड़ लिया कि मैं डेटा कॉपी पेस्ट करने से पहले बताओ डेटा कहाँ तक पेस्ट है, उसकी अगली रो क्या है, अगली रो 31 यहाँ देखिए डूब दे गया। अब फिर क्या करेगा, एक एक करके सारा डेटा को चेक करेगा दूसरे शीट में, कहाँ चेक करेगा दूसरे शीट में, और पेस्ट करता जाएगा, पेस्ट करता जाएगा, पेस्ट करता जाएगा, ठीक है, पेस्ट करते जा रहा है, इसको कंटिन्यू कीजिए, फिर तीसरा शीट, चौथा शीट, पांचवा शीट, तो तो मैं तो क्या बोले सर? मैंने उसको तो म्यूट रखें प्लीज। तो समझ में आया कोडिंग सर? देखिए मैंने मार्स को कलर कर दिया था ना, तो मार्स मार्स वाले फील्ड में ही आया है, जबकि दूसरे शीट में मार्स जो था सबसे लास्ट में था, यहाँ से कॉपी किया है तो सबसे लास्ट में था, है ना, लेकिन डेटा में वो मार्स वाले कॉलम में ही डाला, तो एक कॉलम को रीड करके डाला। तो यहाँ आप समझिए कि जैसा आपका कंडीशंस वैसे आपकी कोडिंग, समझे? तो डेटा जितना सजा हुआ रहेगा कोडिंग आपका उतना कम करना होगा, डेटा जितना उलझा हुआ रहेगा कोडिंग आपको उसी हिसाब से सोचना होगा, समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ पे एक और एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद आपको टेस्ट फाइल दूंगा। मेरे पास डेटा शीट के अंदर डीटी नाम का एक फाइल है जिसके अंदर यहाँ 26 फाइलें हैं, ठीक है, 26 फाइलों में डेटा है, मुझे सारा डेटा 26 हर फाइल के अंदर एक एक शीट में डेटा है, फिलहाल तो एक शीट में है समझे, लेकिन मल्टीपल शीट भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल मल्टीपल शीट को नहीं जाते, कॉम्प्लिकेट नहीं करते, सिंपल लेके चलते हैं, हर शीट का जो डेटा है मुझे सारे शीट का डेटा एक शीट पे कलेक्ट करना है, मतलब इस बार जो है हमारा डेटा उसी सीट पे नहीं है जिस सीट पे हम कोडिंग कर रहे हैं, समझ में आया? तो यहाँ पे हम देते हैं सब डेटा फाइल के नाम से बना रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे सारे के सारे फाइल्स चाहिए कहाँ है, तो कल जो मैंने बताया था एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल को लेके चलेंगे, मैं लिखूंगा यहाँ पे कि डिम एफ एन एज ए स्ट्रिंग स्ट्रिंग, उससे पहले मुझे सीट ऐड करने होंगे यहाँ पे कि सीट्स डॉट ऐड डॉट नेम इक्वल टू
df कर देता हूँ, डेटा फ्रेम। ठीक है, फिर यहाँ पे हम एक और लेते हैं कि dim ds एज ए वर्कशीट, और यहाँ पे ds set set ds इक्वल टू वर्क शीट्स डॉट df सेट कर दिया। चलिए अब यहाँ पे हम जाते हैं कि अब यहाँ पे किसी और हम दो फाइलों के साथ डिस्कस कर रहे हैं तो फाइल भी चाहिए होगा यहाँ पे, तो यहाँ हमने बोल दिया कि एक्टिव वर्क बुक डॉट शीट डी एफ। ओके, अब यहाँ पे मान लीजिए मैं एक फाइल देता हूँ, एक एक चीज करना है यहाँ पे कि वर्क बुक्स डॉट ओपन, ओपन मैंने बोला कि डी ड्राइव के अंदर डेटा नाम का फोल्डर है उसके अंदर वन नहीं टेन टेन डॉट एक्सलेस एक्स ओपन करना है। उसके बाद मैं डी एस डॉट एक्टिवेट करना चाहता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है डायरेक्ट सीट पे जा सकता हूँ या फिर एरर आएगा? मेरे हिसाब से एरर आएगा, देखिए यहाँ एरर है, ये क्या हो गया, ये क्या होता है, इसमें इसमें है ही नहीं। डी टी है, सॉरी डेटा में डायरेक्ट नहीं, डी टी में डीएफ पे आ गया, मतलब सही है, फाइल ओपन होने के बाद हम डीएफ पे डायरेक्ट आ सकते हैं, तो वर्कबुक लेने की जरूरत नहीं है, इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। तो कितने फोल्डर फाइल हैं वो मुझे पता कर, तो कैसे उसके लिए हम लगाएंगे लूप, याद होगा डू व्हाइल एस एन इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, और यहाँ पे लूप, उससे पहले मुझे डायरेक्ट डायरेक्टली फंक्शन चलाना होगा एफ एन के ऊपर, एफ एन इक्वल टू वी आई आर, उसके अंदर मैंने बोला डेटा यहाँ पे डी ड्राइव के अंदर डेटा नाम का फोल्डर उसके अंदर डी टी, और हमने दे दिया स्टार डॉट एक्स एल एस एक्स। ठीक है, और मैंने बोला मुझे हेडर वगैरह नहीं चाहिए, नॉर्मल फाइल चाहिए। ओके, अब यहाँ पे हम देंगे एफ एन इक्वल टू डी आई आर, क्योंकि नेक्स्ट फाइल के लिए चाहिए मुझे। अब यहाँ फाइल नेम यहाँ आ गया, पाथ मुझे यहाँ पता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा कि वर बुक्स डॉट ओपन, इसके अंदर और कॉन्केट कर दिया मैंने एफ एन, ताकि फाइल में ओपन हो जाएगा, उसके बाद उसके पहले शीट्स के ऊपर जाऊँ, हालांकि एक ही सीट है लेकिन मान लीजिए दूसरा दो सीट हुआ तो पहले सीट के ऊपर जाऊंगा, फिर यहाँ पे मैं आऊंगा रेंज 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 में मैं ए वन से लेके, अब ए वन पता नहीं डेटा ए वन से है या नहीं, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे ए 65,000 डॉट एंड एक्स एल एस अप डॉट करेंट रीजन डॉट कॉम, तो अब डेटा कॉलम एक से भी स्टार्ट होगा इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कहीं से भी डेटा स्टार्ट होगा तो ले लेगा, लेकिन कॉलम ए में होना चाहिए, समझे। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लिए, अब आते हैं ds डॉट एक्टिवेट, या फिर एक्टिवेट करने की भी जरूरत नहीं है, ds डॉट रेंज रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट
ऑफसेट, ऑफसेट बड़ी काम की चीज है ना सर, शुरुआत में पढ़ाया था तो उसमें स्पेशल क्लासेस किस लिए लिया था मैंने, टेस्ट स्पेशल, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हेडिंग डिलीट करना पड़ेगा, तो फिलहाल मैं हेडिंग डिलीट नहीं कर रहा हूँ, आप कीजिएगा डिलीट। उसके बाद फिर मुझे वर्क हो गया, एप्लीकेशन एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट, क्या बोलते हैं, कट कॉपी मोड, कट कॉपी मोड इक्वल टू पॉज, ठीक है। अब फाइल को कर दीजिए क्लोज, तो वर्क बुक्स, उसके अंदर हम डालेंगे एफ एन को फाइल नेम, जिस फाइल को क्लोज करना है मुझे, डॉट क्लोज, और मुझे सेव नहीं करना है, तो डेटा फाइल मुझे जस्ट कॉपी करना है, सेव नहीं करना है। एक बार बुक बिल करते हैं ना सर। हाँ अब हो सकता है कि आप यहाँ पर वर्क बुक ओपन हुआ, अगर मैंने यहाँ पे डीएस करके बुक चला गया, आप उस सीट पे, अपने सीट पे आ गया, तो दिक्कत हो जाएगी ना सर, जब नाम मुझे पता ही नहीं है, तो क्यों जाओ एक्टिव वर्क बुक करके सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट करने। अगर ऊपर आपने डीएस पे वापस चले गए या किसी और फाइल पे चले गए, तो फिर एक्टिव वर्क बुक तो प्रॉब्लम करेगा ना। सर चलिए अब इसको एक बार डीएफ को मैं करता हूँ डिलीट, तो डीएफ ऑलरेडी है ना इसलिए, तो यहाँ पर रन करता हूँ। अब मैं डीएस को मूव भी कर देता हूँ, डीएस डॉट मूव उसे लास्ट में शीट्स, इसके अंदर शीट्स डॉट कॉम ओके हो गया। चलिए रेफर करता हूँ, एक एक रन करूंगा। आया इसने, यहाँ आया, सी टी एफ ऐड किया, उसको सेट किया, उसको सबसे लास्ट में मूव कर दिया, लास्ट में आ गया। फिर इसने डी आर एस फंक्शन चलाया, एक फाइल आ गया, ये लूप चलाएगा वाइल, फिर इस वर्कबुक को ओपन करेगा, वर्कबुक ओपन हुआ, उसके सीट वन पे जाएगा, उसका पूरा रेंज कॉपी करेगा, फिर डीएस के ऊपर पेस्ट कर देगा, देखिए डीएस के ऊपर पेस्ट हो गया। उसके बाद कट कॉपी मोड पर एस्केप मारेगा, ताकि जो चल रहा है वो बंद हो जाए, उसके बाद इसको क्लोज कर देगा, और फिर डीआईआर के ऊपर दूसरा फाइल लोड करेगा 11, और फिर इसी को कंटिन्यूस वो करता चला जाएगा। दिख रहा है आपको सर? अब मैं स्टार्टिंग में डाल दूं एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग फॉल्स, ये जो बार बार हिल रहा है ना, ये हिलना बंद हो जाएगा, मतलब स्क्रीन आ रही ना, हम स्क्रीन आना बंद हो जाएगा, ऐसे वो तकलीफ घूमेगा। समझे सर? अब इसके अंदर और भी जैसे कोडिंग इंक्लूड करना है, सी डिलीट कॉलम डिलीट करने, हेडिंग डिलीट करने का, या फिर हेडिंग के अकॉर्डिंग करने का, ये सब चीजें जो ऊपर बताया था उसी को इसमें मर्ज करना होगा। अब ये चीज आपको खुद सीखना होगा, क्योंकि हर प्रॉब्लम के लिए आपको माइक्रो मिले ये गारंटी नहीं है, आपको पहले दूसरे माइक्रो को लेके ही इसके ऊपर आपको तीसरा चौथा काम करना होगा, समझ गए? एक बार वो कोडिंग में जाएंगे जो भी आपने करी है करेक्ट कोडिंग कोडिंग तो आई, क्या दिखे कोडिंग में तो हूँ मैं। हाँ तो या पहले वाले में तो आपने कुछ बोला था सर, चलिए टेस्ट खोलिए। आपने ऊपर एक्सेल में उसको डायरेक्टरी का नाम देखा डॉट एक्सेल एक्स करके, इसके इससे जो भी डायरेक्टरी में डॉट एक्सेल एक्स हो उनको एक्सेल की तरह कंसीडर करो, तो आपने नीचे दिया वर्कबुक्स डॉट ओपन और पूरा डिलीवरी तक पास दिया एंड देन ऐड एक्शन किया। कल क्लास ज्वाइन किया था आप? जी सर, कल मैं मैंने, क्वेश्चन था ना। हाँ, तो इसमें बताया था ना आपको मैंने, एफएन क्या करता है, उससे जस्ट फाइल नेम देता है, क्या देता है, फाइल नेम। एफएन के ऊपर क्या शेष है, डीआईआर फंक्शन आपका पूरा पाथ थोड़ी देता है, तो सिर्फ फाइल देता है ना, फाइल का नेम देता है जी वन डॉट एक्सएलएस,
वन आप मैं वर्कबुक डॉट ओपन और वन डॉट एक्सप्रेस कर दूंगा, देखो वो फाइल ओपन हो जाएगी सर। फाइल का पाथ देना जरूरी है ना सर? जी मेरा क्वेश्चन ये रहा कि इसमें भी नीचे भी पूरा डिटेल तक लिखना है और ऊपर भी कुछ ज्यादा नॉलेज भी इसमें लिखना है कि देखिए आपने वहाँ ऊपर यहाँ सुनिए सुनिए सुनिए, डायरेक्टरी फंक्शन को मैंने बोला कि इस डायरेक्शन के अंदर में जिस फाइल के नाम के अंदर डॉट एक्सलेक्स है वो दो, तो ये क्या करता है जनरली एक फाइल निकालता है ठीक है और एफरेंट को दे देता है, लेकिन अपने पास सारे फाइलों का लिस्ट रखता है। मैंने एफरेंट को सिर्फ एक ही फाइल देगा बट अपने पास सारे फाइलों का लिस्ट देगा। फिर मैं चेक यहाँ पे कंडीशन दिया कि मेरा लूप जो है तब तक चलता है जब तक कि एफएन के ऊपर ब्लैंक ना आ जाए ठीक है, एफएन ब्लैंक तब तक चलता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बोला, अब मैंने मैंने डायरेक्टिव फंक्शन ने जस्ट फाइल का नेम दिया है ना, फाइल के नाम पता हो जाने से माइक्रो थोड़ी डेटा कॉपी कर लेगा, मुझे तो उसका डेटा कॉपी करना है और डेटा कॉपी करने के लिए उस फाइल का ओपन होना जरूरी है। बिना ओपन किए हुए फाइल नेम से तो एक जगह कॉपी कर लूंगा मैं, तो बस में मैं यहाँ पे सीक्वेंस देने के लिए हमने यार डेफिनेट किया में 1 2 3 ऐसे चले हैं सीक्वेंस में नहीं, और सीक्वेंस में नहीं। अब मुझे सबसे ध्यान दीजिए, मैंने आपको बोला कि एक फोल्डर से, एक फोल्डर के जितनी भी फाइल है सारे फाइल उठा के ला दो, सारे फाइल का डेटा उठा के ला दो, बोल दिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या हुआ कि फोल्डर में कितने फाइल्स है ये कैसे पता चलेगा? मुझे फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल है ना सारे फाइलों का लिस्ट चाहिए, बस समझ आया? तो सारे फाइलों का लिस्ट लेने का काम क्या करेगा? डायरेक्टरी करेगा। क्या करेगा? डायरेक्टरी करेक्ट करेगा। करेक्ट अब डायरेक्टरी ने क्या किया, एक फाइल इसको दे दिया, एफएन को दे दिया। मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया कि फाइल अगर एफएन पे फाइल अगर डायरेक्टरी देता है तभी ये सारा कोडिंग करना है, रन करना है, अदरवाइज रन नहीं करना है, बस समझ आया? अब जब तक मेरा फाइल ओपन नहीं होगा तो कैसे होगा? तो मैंने बोला workbooks.open कौन सी वर्क हो, हमें पाथ तो पता है बट फाइल नेम नहीं पता। फाइल नेम एफएन से लूंगा जिसको डायरेक्टरी ने दिया दिया है, समझे? तो डायरेक्टरी ने एफएन को मान लीजिए दे दिया 3.xls, क्या दे दिया? 3.xls। तो वर्कबुक 3.xls को ओपन किया, ओपन करने के बाद उसके पहले शीट पे गया, उसके नीचे से ऊपर जाके डेटा को कॉपी किया, डीएस पे जाके पेस्ट किया, एस्केप मारा और फिर फाइल को क्लोज कर दिया। अब वापस एफएन कर रहा है डीआईआर को, दूसरा फाइल लाओ, एक काम हो गया दूसरा लाओ। तो एफएन डायरेक्टली क्या करेगा कि उसने जो अपने पास जो फाइल रखा हुआ है उसमें से दूसरा फाइल दे देगा इसको, समझे? और जब भी डायरेक्टली फाइल देता है ना वो मूव करता है, क्या करता है? मूव करता है, अपने में से वो लिस्ट उठा के दे देता है, कॉपी पेस्ट नहीं करता। मतलब जो फाइल एफएन को मिल गया वो डीआईआर के पास से हट गया, बता देता हूँ। ठीक है सर, बोलो। बता दिया। और फिर सेम यहाँ पे वापस आया, फिर फाइल ओपन किया, इस बार 3 की जगह पे 4.xls एफएन को मिला हुआ है। 4.xls एफएन को ओपन करेगा, यहाँ पे सिलेक्ट करेगा, कॉपी करेगा, पेस्ट करेगा, एस्केप मारेगा, क्लोज करेगा, फिर डीआईआर के पास पहुंच जाएगा, तीसरा फाइल लाओ। फिर एफएन इसको डीआईआर एफएन को तीसरा फाइल देगा, फिर प्रोसीजर को फॉलो करता जाएगा। वैसे तब तक देता रहेगा डीआईआर जब तक कि उसके पास खत्म नहीं आते। अब उसके पास सारे फाइल खत्म हो गए, एफएन ने मांगा फाइल लाओ, वो सीधे ब्लैंक उठा को दे देगा, क्या दे देगा? ब्लैंक उठा के। अब एफएन को ब्लैंक मिला, व्हाइल चेक करेगा कि यहाँ ब्लैंक तो नहीं है, ब्लैंक है क्योंकि व्हाइल जैसे ही फॉल्स होगा व्हाइल चलना बंद हो जाएगा, तो सीधे लूप क्या करेगा इसको बाहर का रास्ता दिखा देगा और माइक्रो आपका फिनिश हो जाएगा। अभी कंफ्यूजन है? ठीक सर, मेरा एक क्वेश्चन है, बोलिए ना, क्वेश्चन के अलावा आगे भी तो बोलिए। सर, क्वेश्चन अब फाइल का विंडो ओपन है और मुझे सिलेक्ट करनी सिलेक्ट करनी थी तो ये फाइल आप मुझे सिलेक्ट करनी थे और मुझे उसमें से 3 फाइल से मुझे डेटा उठाना है, तो विंडो ओपन है और मैं वहाँ पे फाइल को सिलेक्ट करूँ ओपन करूँ तो वो ये आगे का चौथा ऑप्शन है, इसके लिए आपको फाइल ओपनिंग मेथड का और यूज करना पड़ेगा, फॉर्म डायरेक्टरी बोलते हैं, ब्राउज बटन
बोल रहे हाँ सर, उसको सिलेक्ट करेंगे तो कंट्रोल करके सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप एक लिस्ट बॉक्स बनाया जहाँ पर उस तीनों को चेक करें, जो चेक करें तो ओपन होते हैं, आगे का प्रोसीजर है। ठीक है ना, आगे होता वो कॉम्प्लिकेटेड है, उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट डायरेक्टली यूजर फ्रॉम जैसे फीचर को सीखना होगा। ठीक है, हो ओके सर, जाएगा, लेकिन वो आगे आगे और एक करूँगा चीज सर, आगे। और एक चीज और सर, मैं फिल्टर तरीके से सपोज हेडर को फिल्टर के बाद मुझे जैसे नहीं मिला है उसको करना मतलब ये डेटा डेटा के अंदर जो नहीं है वो मिला, तो यहाँ यही पे आपको दिख रहा है जो कॉपी कर रहा है, यहाँ कॉपी फिर ओपन हुआ, हाँ यहाँ पे कोट रहा है। आप डेटा चेंज बना के लीजिए, मैंने बताया था आपको, कोई भी अपना कोई ऑफिस की प्रॉब्लम हो तो सैंपल डेटा बना के भेजिए क्लास से पहले। ठीक है, ओके ऐसे सर, क्लास में तुक्का नहीं मार सकता ना सर। देखिए, आप अगर कुछ करोगे गलत होगा तो चलेगा, बट मेरा गलत नहीं होना चाहिए ना, समझ रहे हो। मैंने आपको सलाह भी दे दिया, आप कोड किए और गलत हो गया, फिर बोलेंगे सर आपने बताया तो गलत निकला। उससे अच्छा है कि आप एक सैंपल डेटा, सबको बोलना होगा कि आप अपना एक सैंपल डेटा मुझे क्लास से पहले दीजिएगा और पूछिएगा सर क्लास में मुझे ये करना है, तो कर देगा, बता दूंगा आपको मैं। ठीक है, चलिए, ओके सबको बोलना, अगर आपकी कोई ऑफिशियल प्रॉब्लम्स हैं तो उसको नोट कर लीजिए डायरी में और उसकी सैंपल डेटा क्लास से पहले भेज दीजिए। अभी जो है कुछ और काम मैं आप लोगों को देने वाला, अभी आप लोगों की है टेस्ट, लूप के ऊपर है टेस्ट। मैंने लूप को पढ़ाया, लूप से रिलेटेड मैंने 2-3 प्रोजेक्ट भी बना के दिखाया। अब तो बारी आती है ये जानने की कि आपने लूप को कितना सीखा। अभी आपके इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में एक लूप का टेस्ट, इसका टेस्ट था ना, वैसे लूप का टेस्ट था। ठीक है, लूप टेस्ट फाइल, लूप टेस्ट का एक्सप्लेनेशन वीडियो भेज रहा है। ठीक है, व्हाट्सएप इसको बनाइए और मुझे भेजिए। ठीक है।